तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सेल फॉर्मूला, और एक्सेल फॉर्मूला में आज हम बात करेंगे मैथमेटिकल फॉर्मूला के बारे में। मैथमेटिकल एंड त्रिकोणमितीय फॉर्मूले की कैटेगरी की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि हमने हमने अभी तक जो है लॉजिकल टेक्स्ट, डेट एंड टाइम एंड लुकर रेफरेंसेस को कंप्लीट किया है। अब हम बात कर रहे हैं मैथमेटिकल एंड त्रिकोणमितीय फॉर्मूले। इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन कुछ फॉर्मूले मैथमेटिक के अकॉर्डिंग है, मैथमेटिक के रिलेटेड है, तो वो हम आपके साथ डिस्कस नहीं करेंगे। जो फॉर्मूला रिपोर्ट ऑटोमेशन के लिए है, उन फॉर्मूले पे हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला आता है एबीएस का। अब चलिए हम बात करते हैं कि एबीएस का फॉर्मूला क्या होता है। हमारे पास कुछ पॉजिटिव नंबर्स हैं एंड कुछ नेगेटिव नंबर्स हैं, मुझे इनका सम करना है। और जाहिर सी बात आप समझते हैं कि जब भी हम इसको सम करेंगे तो जो हमारे नेगेटिव नंबर्स हैं वो माइनस हो जाएंगे, पॉजिटिव नंबर ही प्लस होगा। क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर एक साथ आएंगे तो आएंगे ही क्यों? तो इसका क्वेश्चन ये है कि कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो स्टेटमेंट होती है या फिर जो भी हमारी इनकम स्टेटमेंट होती है उसमें दो तरह की इनकम होती है। एक तो होता है जो हमें प्रॉफिट होता है, दूसरा जो हमें डिस्काउंट होता है। मान लीजिए कि आपकी सैलरी 20,000 रुपये आपकी सैलरी है और 5,000 रुपये आपको क्रेडिट कार्ड से कैशबैक मिला, तो इस महीने की इनकम आपकी 25,000 होगी, क्योंकि कैशबैक जो मिला इट्स योर इनकम। तो जो कैशबैक मिलेगा वो तो माइनस में ही आएगा ना, क्योंकि आपके लिए इनकम है लेकिन कंपनी के लिए तो डिडक्शन है। जब उस स्टेटमेंट को एक साथ करोगे तो इस तरह की हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी है। तो कैसे करें? तो हम यहाँ पे जानना चाह रहे हैं कि किसी भी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव में और पॉजिटिव को पॉजिटिव में ही कैसे रखना है। तो हमारे पास मान लीजिए कि यहाँ पे +125 आप यहाँ देख रहे हैं, सॉरी -125। तो एक तरीका और भी है कि मैं माइनस में इसको सेलेक्ट करूं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, बट प्लस माइनस तो माइनस होगा। So, मुझे माइनस को माइनस में रखना है, माइनस को प्लस में रखना है, बट प्लस प्लस भी रहे, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए बट पॉजिटिव पॉजिटिव ही रखे। तो उस केस में हम लगाएंगे फॉर्मूला एबीएस का। एबीएस हम इसको सिलेक्ट करेंगे जो होगा एब्सोल्यूट रेफरेंस, एंटर प्रेस कीजिए, आपके सामने नीचे दिख रहा होगा। तो निगेटिव हमारा पॉजिटिव में हो गया और पॉजिटिव हमारा पॉजिटिव ही रहा। हम सम कर सकते एबीएस फॉर्मूला का यूज हम कई सारे जगहों पे करते हैं और जहां पे नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होता है। एबीएस के बाद अगला वैल्यू आता है हमारे पास, वो आता है एग्रीगेट का फॉर्मूला। एग्रीगेट और सब टोटल दोनों एक साथ पढ़ना होगा क्योंकि दोनों सिमिलर फॉर्मूला है, और इसके लिए हमें चाहिए होगा डेटा। तो चलिए हम डेटा पे चलते हैं, एक छोटा सा डेटा लेते हैं। अच्छा, आप लोगों को वीलोकम का प्रोजेक्ट दिया था, क्या हुआ इसका? हेलो जय कुमार जी, राहुल जी, प्रोजेक्ट आपने नहीं किया ना? नहीं किया सर, मैं करना चाहिए था ना आपको। चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा डेटा ऐड कर देते, ट्राई भी नहीं किया हुआ ना? नहीं। हमें बहुत एनर्जी मिलेगी सिखाने के लिए आपको। तो हमारे पास देखिए तो डेटा आपको सामने दिख रहा है, ये रहा। अब मान लीजिए कि मुझे यहां पे इसका टोटल चाहिए, सम हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे टोटल दिख रहा है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे किया पूजा का टोटल किया, या अमर को टोटल कर रहा हूं, अमर को टोटल किया। तो यहाँ नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको अमर का टोटल नहीं, ओवरऑल टोटल दिख रहा है। क्यों?
क्योंकि सम विजुअल विजुअल और आउटपुट नहीं समझता है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सब टोटल, सब टोटल को लेंगे और हम इसमें, अब सब टोटल में हम सभी नहीं कर सकते, इसमें सम काउंट मिनिमम मैक्सिमम एवरेज सब कुछ है इसमें। तो यहाँ सम नाइन्थ को हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे अपने डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। इससे फायदा ये हो गया सब टोटल से कि अब मैं यहां दिल्ली को सिलेक्ट करूंगा तो यहां पे देखिए दिल्ली का ही टोटल आएगा। लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि अगर एनए हुआ मतलब कि कोई एरर हुआ तो फॉर्मूला एरर देगा। सिर्फ इसी में नहीं, अगर मान लीजिए कि कुछ कुछ कम सम करना चाहते, कुछ नंबर्स हैं और मुझे इसको सम करना है, कभी इस तरह का डीआईवी एरर आ जाता है, सम करना है तो सम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि किसी फॉर्मूले की इनपुट में अगर एरर है तो आउटपुट एरर ही आएगा। यहां पे हमारा एग्रीगेट फॉर्मूला वर्क करता है बिल्कुल सम टोटल की तरह, सब टोटल की तरह। नाइन को ले लिया सम करने के लिए, अब इग्नोर, इग्नोर क्या करना, तो अगर सिर्फ एरर को इग्नोर करना है तो यहाँ पे एरर वैल्यू कर दो, इससे क्या होगा सिर्फ एरर ही इग्नोर हो। लेकिन अभी जो आपने सब टोटल लगाया जिसमें फिल्टर डेटा में से जो फिल्टर दिख रहा है उसी का टोटल निकालना है, तो उस केस में इग्नोर एरर, यहाँ पे देखिए इग्नोर, आपका इग्नोर हिडन एंड एरर वैल्यू कर दीजिए। सेवन नंबर और फिर अपना रेफरेंस नंबर, तो जहां पे एरर है वहां पे सब टोटल की जगह पे आप एग्रीगेट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, सब टोटल की जगह पे एग्रीगेट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसमें दोनों चीजें यूज नहीं हो सकती, आप हिडन जैसे इसमें हम देख रहे थे हिडन के लिए भी और साथ में एरर के लिए जो हिडन वैल्यू, इसी के लिए तो यूज किया हमने। हमने सेवन नंबर दिया है ना, यहाँ पे सेवन नंबर में वही था ना आपका एरर, सेवन नंबर तो सर एरर के लिए है और सिक्स एरर के लिए है, फाइव की बात कर रहा हूँ सर मैं, फाइव इग्नोर हिडन रोज। आप क्या कहना चाहते हैं, सिक्स से नंबर हिडन एरर वैल्यू है, जो कोई सेल इसमें हिडन हो तो उसका टोटल, उसका टोटल ना आए, सब टोटल आए मतलब भाई। अगर मैंने फिल्टर किया हुआ है लाइक ये कॉलम है इसमें फिल्टर किया हुआ है, कुछ सडन चार वैल्यू ही फिल्टर आउट है और चार एक एरर है और तब मैं इसको एग्रीगेट करना चाह रहा हूँ। सेवन में लेंगे ना आप, हिडन और एरर दोनों लेगा, ठीक है। ओके सर, ठीक है चले आगे बढ़े। एग्रीगेट और सब टोटल के बाद हम बात करते हैं यहाँ पे एक अरेबिक फॉर्मूला है, तो जैसे कि आप नंबर में लिखते हैं तो रोमन रोमन नंबर में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है रोमन का, रोमन क्या करता है इसको रोमन नंबर में कन्वर्ट कर देता है। सेम हमारे पास होता है एक रोमन की जगह पे, हम रोमन से नंबर में चाहिए तो एरेबिक होता है, एरेबिक से वापस नंबर में ला सकते।
कभी कभी इसकी जरूरत पड़ जाती है। उसके बाद हम सेलिंग मैथ एंड ये है, तो हमें पहले चलिए हमें राउंडिंग सिस्टम के बारे में जानना होगा कि नंबर्स को राउंड करने का क्या सिस्टम। जैसे आपके पास कुछ इस तरह का ए मिल गया हुआ है डेसिमल प्लेसेस, इसको दो डेसिमल प्लेसेस में आपको करना है, सिर्फ दो डेसिमल प्लेसेस में। तो दो डेसिमल प्लेसेस में कैसे करेंगे, तो एक तो विजुअलिटी के लिए आप यहाँ से इसका यूज कर सकते हैं कि आप यहाँ से डिक्रीज कर दें, या नंबर फॉर्मेटिंग में जाके डायरेक्टली यहाँ पे आप जो है नंबर में यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस डाल सकते हैं कितना होना चाहिए, लेकिन जस्ट विजुअल होगा, ओरिजिनल में आपके पास वही होगा जो बाहर दिख रहा है। मुझे ओरिजिनल में भी अपना राउंडिंग राउंड वैल्यू को दो डिजिट ही रखना है, तो हमारे पास दो फॉर्मूले, एक है राउंड और यहाँ पे हमने कॉमा कर दिया नंबर ऑफ डिजिट, कितने डिजिट का चाहिए आपको डेसिमल प्लेसेस, तो हमने दो कर दिया, तो यहाँ पे 37 आ गया क्योंकि ये नियरेस्ट में 6 है, इसलिए क्योंकि राउंड नियरेस्ट को दिखाता है। लेकिन आप चाहते हैं कि डेसिमल हटा ही देना है तो राउंड में आप जीरो कर दीजिए या फिर आप इंट फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं डेसिमल्स को रिमूव कर। राउंड में अगला है राउंड डाउन, राउंड में हमारे पास अगला है राउंड डाउन, हम यहां से राउंड डाउन को सेलेक्ट करेंगे और कॉमा दो दे दीजिए तो ये नीचे की तरफ आता है, हमने राउंड अप कर दिया, माफ कीजिएगा, हाँ राउंड अप क्या करते हैं हमेशा अपर में दिखाता है और राउंड डाउन हमेशा लोअर में दिखाएगा। कि राउंड होगा तो अगर आपने अगर 3.5 कर रखा है तो आपको 4 दिखाएगा, और ये 5 है तो नियरेस्ट अपर है तो इसलिए अपर दिखाएगा, और 3.2 है तो 3 दिखाएगा। राउंड अप क्या करेगा कि हमेशा अपर, अगर 3.1 है फिर भी वो 4 दिखाएगा, 3.9 है फिर भी वो 4 दिखाएगा, क्योंकि ये हमेशा अपर की वैल्यू लेता है। राउंड डाउन हमेशा डाउन की वैल्यू लेता है कि अगर 3.2 है फिर भी आपको आपको 3 दिखाएगा, 3.9 है फिर भी इसको 3 दिखेगा, हमेशा डाउन में रहता है, इसका यूज करते हैं। और नंबर ऑफ डिजिट्स में अगर 0 कर देते हैं तो डेसिमल प्लेसेस को रिमूव कर देता है। ये तो डेसिमल्स को राउंड करने की बात हुई, लेकिन मुझे अगर नंबर को राउंड करना, जैसे कि मान लीजिए कि 42,536 है, मुझे इसको हमेशा 1000 के फिगर में रखना है, अगर 42,000 होगा या 43,000 हो, 1000 का मल्टीप्लेक्स होना चाहिए। तो यहाँ पे हम सेलिंग मैथ का यूज करेंगे, या सेलिंग मैथ या सेलिंग दोनों एक ही होता है, और सिग्निफिकेंट में हमने दे दिया 1000, 43,000 आ रहा है, मैंने 45,820 कर दिया फिर भी ये 46,000 आपको दिखाया, 46,000 इसलिए दिखाया क्योंकि हमेशा अपर में दिखाता है, ठीक है। तो मतलब कि अगर 45,001 हो गया फिर भी ये आपको 46,000 दिखाएगा। लेकिन इसी में हमारे पास एक होता है फ्लोर, फ्लोर क्या करता है, फ्लोर मैथ है, फ्लोर एक ही फॉर्मूला है, हमेशा लोअर में दिखाता है। मैंने यहाँ पे सिग्निफिकेंट 1000 कर दिया तो यहाँ आपको 45,000 ही दिखाएगा, मतलब कि 45,980 दे दिया तो ये आपका 46 और 45 दिखाएगा। तो ये नंबर को राउंड कर सकते हैं आप, 1000 की जगह पे जो डालना है वो डाल सकते हैं, आपका नंबर राउंड हो जाएगा। ये आपका राउंडिंग सिस्टम था नंबर की। सर नंबर ये जो 10,000 में आया, ऐसा नहीं है कि लाइक 51 को अपवर्ड करे और 49 डाउनवर्ड करे, नहीं वो पॉसिबिलिटी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे कॉम्बिन आता है, ये परमुटेशन दिखाता है, जैसे कि कॉम्बिनेशन दिखाता है, जैसे मान लीजिए कि आपने 3 बंदे को इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया है लेकिन 2 को ही ज्वाइन करना है, तो आपके पास ऑप्शन कितना है वो आपका कॉम्बिन दिखाता है। परमुटेशन पढ़ते थे ना मैथमेटिक्स में, दिखाया मतलब कि आपके पास ए है, बी है और सी है,
आप ए और बी को जो है करवा सकते हैं, बी और सी को करवा सकते हैं, या ए और सी को करवा सकते हैं। तीन चॉइसेस है, फाइनल नंबर चॉइसेस बताता है। में इवन जो है इवन नंबर शो करता है, नेक्स्ट इवन नंबर जैसे आपने ऑड डाला है तो इवन में कन्वर्ट कर देगा। ये आपका पावर दिखाता है, ये फैक्टोरियल नंबर दिखाता है, जैसे दिखा ना आपने 5 दे दिया तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5, ये सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लेता है फैक्टोरियल। फैक्ट डबल क्या करता है, फैक्ट डबल में अगर आपने 6 डाला है तो जितने भी ऑड नंबर है 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 6 इसको दिखाए, अगर आपने इवन 5 डाला है तो जितने इवन ऑड नंबर है 1 मल्टीप्लाई 3 5 ऐसे मल्टीप्लाई करेगा, मतलब कि ये डबल मल्टीप्लाई करता है, एक छोड़ के करता है। और आपका एंटर किए नंबर ऑड है तो हर इवन को छोड़ेगा, ऑड को मल्टीप्लाई करेगा, अगर ऑड है तो इवन है तो ऑड को छोड़ेगा, इवन को मल्टीप्लाई करेगा। जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर है, ये जो आपका महत्तम होता है ना एलसीएम के अकॉर्डिंग, ये बताता है। जैसे आपने इसमें डाला हुआ है, मान लीजिए कि आपने डाला यहाँ पे 50 और आपने डाला यहाँ पे 25, दोनों का कॉमन डिवाइडर कौन सा है 25, रिजल्ट आपका 25 हाईएस्ट कॉमन डिवाइडर। इसमें 30 कर दूंगा तो 10 आएगा, 35 कर दूंगा तो 5 आएगा। आपका इंट करता है एलसीएम, आपका एलसीएम निकालता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई दिखाता है। इसमें बाकी मोड आपका, हाँ मोड फॉर्मूला इसमें एक इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने आपको यह बताया कि हमें डेसिमल्स को रिमूव करने के लिए इंट का फॉर्मूला लगता है। अगर मान लीजिए किसी नंबर से सिर्फ डेसिमल को अलग करना है तो इसके लिए हम करते हैं कि नंबर माइनस इंट नंबर, क्योंकि विथ डेसिमल माइनस विदाउट डेसिमल करते हैं। लेकिन एक तरीका और भी है, क्या है, उससे पहले हमें मोड को समझना होगा। जैसे 14 को 5 से हम डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, 4 आएगा ना, मोड का काम यही है शेषफल निकालता है। हमने नंबर को 5 से डिवाइड किया तो शेषफल हमारा 4 आया। शेषफल समझते हैं ना सर, रिमाइंडर जी, रिमाइंडर निकालने का काम करता है। अब क्वेश्चन यहां पे आता है कि इसमें इसका ये यूज है, तो किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं, मैथमेटिकल थ्योरी है कि किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल जो है वो 0 आता है, लेकिन अगर वो नंबर डेसिमल में है तो शेषफल आपका डेसिमल आएगा। तो जैसे कि आपने फॉर्मूला लगाया नाउ का, नाउ का फॉर्मूला क्या करता है, डेट एंड टाइम देता है, मुझे इसमें से सिर्फ टाइम चाहिए। तो अगर किसी किसी डेट एंड टाइम वाले को अगर जनरल में डालेंगे तो ये आपका डेसिमल में आता है इस तरह से। तो जो आपका नंबर है वो डेट है, जो यहाँ पे पॉइंट्स में है वो आपका टाइम है। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया मोड का, मोड इसको सेलेक्ट किया कॉमा 1, हमारा सिर्फ टाइम आया, यहाँ पे टाइम काउंट अप्लाई कर लो सिर्फ टाइम आएगा। तो मोड इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक आता है एम राउंड, मोड के नीचे आता है आपका एम राउंड। अच्छा मान लीजिए कि आपको 50 गिफ्ट आया है, 70 लोगों को बांटना है, एक 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 एकदम एक्चुअली तो बटेगा नहीं, क्या बराबर बराबर तो बटेगा नहीं, तो आपको ये पता करना है कितने गिफ्ट होने चाहिए थे जो इक्वली 17 लोगों को बट जाए। मतलब अगर हम फोर्थ या फिफ्थ में हम लोग पढ़ते थे कि वो संख्या ज्ञात करे जो 50 के नजदीक हो और 17 से डिवाइड हो जाए, वो उसका काम एम राउंड बताता है। एम राउंड यहाँ पे हमने नंबर को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे इसको सिलेक्ट।
ठीक है। ये आपके अमाउंट बताता है। और मैथमेटिकल फॉर्मूला में हम बात करते हैं आगे, लैंड बिटवीन तो हम बताते ही है, रोमन मैंने बता ही दिया, राउंड राउंड ऑफ बता ही दिया आपको मैंने, साइन आपका साइन थी साइन, ये आपका साइन ऑफ द नंबर है, जैसे कि आपका माइनस होगा तो माइनस वन दिखाएगा, प्लस में होगा तो वन दिखाएगा, जीरो में जीरो दिखाता है, साइन ऑफ द नंबर। साइन आपका साइन थीटा का मान देता है, ये आपका स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 होता है, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए स्क्वायरिटी इस्तेमाल हम करते हैं। उसके बाद आपका सम, आपका सब टोटल फॉर्मूला मैंने पढ़ाया है अभी आपको, और सम का फॉर्मूला पढ़ाने की जरूरत नहीं, इसमें सम प्रोडक्ट है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। सम प्रोडक्ट क्या करता है, मान लीजिए कि क्वांटिटी है और यहाँ पे एमआरपी है, तो मान लीजिए कि ये आपकी कुछ क्वांटिटीज है, ये हमारे एमआरपी, तो टोटल अमाउंट कितना होगा, तो जनरली लोग क्या करेंगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको सम करेंगे, लेकिन सम प्रोडक्ट दोनों काम एक साथ कर देगा, सम प्रोडक्ट दोनों काम एक साथ कर देगा, हमने दोनों को सिलेक्ट कर लिया। आ गया सर, बाकी बचता है सम फॉर्मूला, उसको डेटा समराइजेशन फॉर्मूला कहते हैं, ये हम आपको कल पढ़ाएंगे, फिलहाल इसकी प्रैक्टिस कर लें और वीलुकअप प्रोजेक्ट को करने की कोशिश करें प्लीज। सर एक इसमें ए